आज हम मैं और महा आपके लिए इतनी शानदार सी यूनिक सी चीज़ लेकर आए हैं, स्टिक पिज़्ज़ा बन रेसिपी। ये इतनी टेस्टी बनते हैं मैं आपको बता नहीं सकती। ये डिश हमारी मामा ने इजाद की है। ये इतनी ज़बरदस्त है, ये हमें बना के खिलाती हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई करें, पिज़्ज़ा स्टिक्स बन। महा कह रही आप तुम्हारी सुविधा ढक जाती है। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं पिज़्ज़ा स्टिक्स बन, यमी एंड टेस्टी, झटपट तैयार। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपको अरुषा और महा का सलाम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम यूनिक और ज़बरदस्त सी डिश आपके लिए लेकर आए हैं। ज़बरदस्त, इतनी टेस्टी और इजी है, मैं आपको बता नहीं सकती। पिज़्ज़ा बन शाशिक स्टिक बनाएंगे आज हम, इतना टेस्टी बनेगा ये आपको बता नहीं सकती। चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। हम बन का पिज़्ज़ा बनाएंगे और साथ शाशलिक भी इसके ज्वाइन करेंगे, यानी कि हमारे पूरे डिश का नाम हो गया पिज़्ज़ा बन शाशलिक स्टिक। ये हमने बन लिए हैं तीन, ठीक है। बेकरी के ले लीजिए, ये ज़्यादा टेस्टी बनता है इससे, बेकरी के बन से। और ये हमने दो फ्लेट के पीस लिए हैं चिकन के। ये हमारा बारबेक्यू का मसाला है जो भी हम चिकन में डालेंगे। ये हमारी शिमला मिर्च है, ये हमारे टमाटर, और ये हमारी शाशलिक स्टिक्स हैं, और वो हमारे ऑरिगानो और थाइम है। ये ऑरिगानो थाइम है और हमारी है चिली गार्लिक। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत जल्दी और झटपट बनता है, मैं आपको बता नहीं सकती। पहले हम चिकन को बारबेक्यू मसाले में ऐड करेंगे और हम इसकी, यानी कि बारबेक्यू और टिक्के फ्लेवर के हम चिकन रेडी कर लेंगे जो हमने पिज़्ज़ा बन के ऊपर लगानी है। जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगली ईजी और ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके पास उठती हुई आएगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम चिकन को मसाला लगाएंगे। पहले हम चिकन को छोटी छोटी क्यूब्स कटिंग करेंगे, इसमें टिक्के का और बारबेक्यू का मसाला ऐड करेंगे, लहसुन अदरक डालेंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, हम आपको बताते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने जो चिकन के फ्लेट थे उसकी चकोर चकोर बोटियां कर ली, और एक टेबल स्पून दो टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। अब चिकन और चिकन टिक्के का और जो बारबेक्यू का मसाला था वो भी हम इसके अंदर भी ऐड करेंगे। ये हम चिकन टिक्के का और बारबेक्यू का मसाला इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने इसके अंदर मसाले में सिरका भी ऐड कर दिया था, जो आपको लिक्विड टाइप लग रहा है इसे ये लिक्विड टाइप लग रहा है। थोड़ा सा इसमें सिरका भी ऐड है। अब लहसुन अदरक हो गया, हम हमारी शाशलिक की बोटियाँ हो गई, वो हमारी चिकन की बोटियाँ, लहसुन अदरक और थोड़ा सा सिरका कवर करेंगे। दो टेबल स्पून हमारा ऑयल है, हमने ये डाल दिया आपके, और इसके अंदर हम अभी ऐड करेंगे नमक थोड़ा सा। वहाँ नमक भी इसमें ऐड करने वाली हैं, और ऑरिगानो थाइम भी ऐड करेंगे, और थोड़ा सा हम चिली गार्लिक इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिली गार्लिक और ऑरिगानो और थाइम। बहुत टेस्टी हमारा स्टिक पिज़्ज़ा बन का ये मसाला रेडी होगा, हमारी चिकन रेडी होगी। स्टिक पिज़्ज़ा बन बहुत यूनिक आइटम है, आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े का बनता है। और थोड़ा सा ऑरिगानो और थाइम भी ऐड करेंगे इसमें। इतनी मज़े की चिकन बनेगी हमारी जो हम स्टिक पिज़्ज़ा बन पे बन लगाएंगे। और हम स्टिक पिज़्ज़ा बन के ऊपर हम शाज यानी कि मोज़रेला चीज़ भी डालेंगे, बहुत मज़े की लगती है। ये थाइम और ऑरिगानो भी डाल रही है महा। अब इसको थोड़ा ढक के रख, हम इसको हम दोनों चीज़ साइड भी डाल दी इसके अंदर। अब थोड़ा सा हम इसको कवर करेंगे, कवर करके इसको हम रख देंगे। जब चिकन हमारी गल जाएगी तो फिर हम इसको पिज़्ज़ा बन के ऊपर लगाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी टमाटर और शिमला मिर्च को कटिंग करते हैं क्यूब्स में। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने शिमला मिर्च और टमाटर जो बारीक कटिंग किए ये हम पिज़्ज़ा बन पे लगाएंगे, और ये जो हमने थोड़े मोटे बड़े शिमला और टमाटर कटिंग किए वो स्टिक पे हम लगाएंगे, डेकोरेट करेंगे। और ये हमारे बन हैं जो पैकेट में थे, ये हमने कटिंग कर लिए हैं, इनको दो दो पीस कर लिया है। तीन बन थे तो हमारे तो दो तीन बन के हमारे छः पीस बन गए। अब हमारी चिकन भी रेडी हो गई है। चलिए अब हम चिकन की तरफ चलते हैं। बारबेक्यू और टिक्के का मसाला डाल के जो हमने चिकन बनाई थी वो भी हमारी रेडी हो गई है, और हमने मोज़रेला चीज़ ली है इस पे डालने के लिए। हम चीज़ भी अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी चिकन भी बारबेक्यू और टिक्के का मसाला डाल के जो हमने चिकन बनाई थी पिज़्ज़ा बन रेडी है, पिज़्ज़ा बन के लिए, स्टिक पिज़्ज़ा बन के लिए हमारी रेडी हो गई है। इतनी ज़बरदस्त बनी है मैं आपको बता नहीं सकती। चलिए अब हम चीज़ की तरफ चलते हैं। वो और खाना है, गार्लिक चिली और डाल दें? नहीं सही, अब चलते हैं हम बन यानी कि मोज़रेला चीज़ की तरफ। ये हमारी चीज़ है, आप इसको हम यानी कि पीछे से कटिंग करते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं। ये ऑलपर्स वालों की मोज़रेला चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त होती है, ये टेस्टी होती है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये व्यूअर्स, ये देखें व्यूअर्स, ये हमारी मोज़रेला चीज़ है, ये हमने कर्च करके इस पर प्लेट में रख दी है।
अब हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, चिकन भी, चीज़ भी, और ये हमारे शिमला और टमाटर भी, और ये हमारे बंदी दो पीस कर लिए। आप इसको हल्का हल्का सा हम पैन में सेकेंगे और उस पर चिली गार्लिक लगाएंगे, और चिकन का जो हमने बारबेक्यू का टिक्का और बारबेक्यू का चिकन रेडी किए वो लगाएंगे। फिर हम वेजिटेबल डालेंगे शिमला टमाटर, और उसके ऊपर फिर हम ऑरिगैनो थाइम डालेंगे, और लास्ट में चीज़ डालेंगे, और थोड़ा सा इसको पैन में ढक के रख देंगे। थोड़ी देर के बाद इसको हम फिर सर्व करेंगे। बहुत टेस्टी बनती है डिश, बिल्कुल यूनिक आइटम है। अभी ज़रूर ये पिज़्ज़ा स्टिक बन ट्राई करें हमारी रेसिपी से। चलिए चलते हैं हम इसको रेडी करने के लिए। ये चिकन हमने पैन में से प्लेट में निकाल ली है। अभी जो पैन में मसाला लगा इसी के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डाल के बन सेकेंगे अपने। ये महाने पैन में ऑयल डाल दिया, इसको सेक रहे हैं इस तरीके से। इसको हल्का सा सेक लेंगे मसाले में और ऑयल में या घी जो भी आप यूज़ करते हैं, और इसको सेकने में उतार लेंगे हम। फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे चिली गार्लिक, और जो हमने चिकन रेडी की थी बारबेक्यू, वो चिकन हम इसके अंदर टिक्के और जो बारबेक्यू का मसाला डाल के चिकन रेडी की थी वो हम इसके ऊपर लगाएंगे, और सब चीज़ें हमको लगा के आपको ज़बरदस्त सा दिखाएंगे। बस ये हमारे बन सीख गए, देख दिखा दें उनको ऐसे हल्के हल्के से सेके उतारने सारे हम इस तरीके से सेकेंगे उतार। चलिए मैं आपको हम करके दिखा रहे हैं माहौर में। ये हमने डाला है पहले एक पे चिली गार्लिक, हम तीसरे पे डालेंगे। चलो इसको हम स्पून से फैला देंगे पूरा, और इस पे डालेंगे जो हमने चिकन रेडी की थी। बहुत मज़े का ये स्टिक पिज़्ज़ा बनता है, मैं आपको बता नहीं सकती। यूनिक, आप ज़रूर बना के खाइए, और ये लंच बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि हमारी अम्मी हमें जब हम जाते थे स्कूल जब देती थी, और हम अभी हम यानी कि मैट्रिक का पेपर हम दे चुके हैं, अब आगे हम और स्टडी करेंगे, तो अब हम ये हमारी मम्मा हमें बहुत टेस्टी बना के देती है, हम ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चलिए अम्मा हाँ इसमें ऐड करी चिकन जो हमने बनाई थी, माँ चिकन ऐड करें हम इसके अंदर सारे। हम इसी तरीके से चिकन रखते जाएंगे। ये हमने इसमें चिकन ऐड कर दी, अब हम इसके अंदर शिमला और प्याज ही भूल गई नहीं है इसलिए मैं कटिंग कर रही हूँ दोबारा। ये हम इसके अंदर प्याज साइड पर साइड करेंगे स्टिक के अंदर। अब इस पे डालेंगे थोड़ा सा ऑरिगैनो थाइम और चीज़ ऐड करेंगे इनके ऊपर, हमारे पिज़्ज़ा बन के ऊपर। कितने टेस्टी लग रहे हैं देखिए, शक्ल से ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, कलरफुल, चटपटे, मज़ेदार। ये हमें ऑरिगैनो और थाइम ऐड कर दिया बन के ऊपर। अब हम इस पे चिली गार्लिक अब इसके अंदर हम वो डालेंगे हमारे यानी कि जो हमने मौजूदा चीज़ रखी थी वो डालेंगे। घर में कोई आ जाए या पिज़्ज़ा खाने का दिल हो तो फ़ौरन से बन मंगाइए, और बन मंगा के इस तरीके से पिज़्ज़ा बन बनाएं और उसको इन्जॉय करें। आ गई हमारी मोज़रेला चीज़, ये हम सब पे डालेंगे। ये देखिए हमारे पिज़्ज़ा बन रेडी हो चुके हैं। आप इसको हम पैन में हल्का सा सेकेंगे, और फिर हम इसके अंदर एक और चीज़ लगाएंगे यूनिक सी। कितना खूबसूरत हमारे पिज़्ज़ा बन लग रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकती, और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। ये हमने एक रख दिया पैन में, अब दूसरा रखेंगे, और उसको थोड़ी देर के लिए एक दो मिनट के लिए इसको ढक देंगे ताकि हमारी ये मेल्ट हो जाए चीज़। ये देखिए हमने स्टिक रेडी कर ली है। पहले प्याज का पीस रख लगाया, फिर हमने शिमला का, फिर चिकन का, और फिर टमाटर का। बाकी सारी इसी तरीके से वहाँ भी कर रही हैं। पहले हम प्याज लगाएंगे, फिर हम शिमला लगाएंगे। नीचे लगा रख के दिखाइए ना, शिमला और फिर चिकन का पीस, और फिर हम टमाटर का। इसी तरह की सारी स्टिक्स रेडी करते जाएंगे। ये देखिए स्टिक्स पे हमने सब कुछ लगा लिया, एक चिकन का पीस, एक शिमला का, एक प्याज का, और एक टमाटर का, और बन हमारे वहाँ पे रेडी हो चुके हैं। ये हमारे पिज़्ज़ा बन रेडी हो गए हैं सारे, इसी तरीके से हम सेकते जाएंगे पिज़्ज़ा बन को। चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं ज़बरदस्त सा। ये देखिए ये हमने और पिज़्ज़ा बन पैन में रख लिए हैं, अब जैसे इसकी भी चीज़ मेल्ट होगी इसको भी हम सर्विंग के लिए लेके जाएंगे। चलिए अब हम सर्व करते हैं आपको और शानदार सा स्टिक पिज़्ज़ा बन। ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे स्टिक पिज़्ज़ा बन बन के रेडी हो गए। देखिए हमारे हमने चिकन की वाली स्टिक जो थी हमने कैसे इसके यहाँ पे साइड पे लगाई है। ये बिल्कुल यूनिक हमारा बना है पिज़्ज़ा स्टिक बन। मज़े का भी ये बन के अंदर लगाना है आपने। चलिए हम आपको ला के दिखाते कैसे हमने लगाया है। चलिए मैं हाँ लगा के दिखा देंगे, इसको नीचे रख देते। एक अब बन हम उठाएंगे सिंपल, पहले हम इस साइड पर लगाएंगे एक स्टिक इस साइड पर, और दूसरी स्टिक दूसरे साइड पर लगाएंगे। ये हमारी यूनिक स्टिक पिज़्ज़ा बन बन के रेडी हो गया है। इतना टेस्टी है मैं आपको बता नहीं सकती, और ये बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, क्योंकि हम लोग हमारी मम्मा हमारे लिए बनाते तो हम भी शौक से खाते। चलिए हम आपको सारे ऐसे ही सर्व करके दिखाते हैं ज़बरदस्त सा। ज़बरदस्त हमारे
पिज़्ज़ा स्टिक्स बन बन के रेडी हो गए हैं, सुपर लग रहे हैं, कितने यूनिक और शानदार बने हैं। आप मेरी और माँ की रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, ये इतने टेस्टी बने झटपट और इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। जल्दी से बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। घर में तो चीज़ें होती हैं। अब मैं और माँ चलते हैं, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।